दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज लुधियाना घूमते हैं, सब लोग हैं, प्रीतम है, सागर भी है, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए यहाँ पे चलते हैं। लुधियाना घूमेंगे आज, क्या है लुधियाना में? हाँ सागर, यस चलो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए लुधियाना जा रहे हैं। क्या करें, आप सबके लिए वीडियो बनाना ही पड़ता है। आप सब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर बहुत ज़्यादा करो कि फेमस हो जाओ भाई। गुड मॉर्निंग, आज लुधियाना आ गए हैं, जलंधर से सीधा लुधियाना। ये बंदे कुछ काम ना धाम का, दिन भर घुमाते रहते मेरे को। आज यहाँ पे नदी के पास में, यहाँ पे तो गुजरात से ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ पे टी शर्ट पहना जो, लेकिन ठंड हो रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे फोटो क्लिक हो रहा है। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे होंगे। आज का रूटीन क्या क्या है आज मुझे भी नहीं पता। अभी आज यहाँ पे आया हूँ लुधियाना। आज देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। आप सबको जहाँ जाऊँगा वहाँ वीडियो में दिखेगा ही कहाँ गया हूँ। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। यहाँ पे आया था लुधियाना में, तो आपको एक नदी दिखाता हूँ, सतलुज नदी है। देखो पूरा पानी पानी है, भरा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो में। मेरे पीछे पूरा गेहूँ का खेत है। देखो प्रीतम कैसा यहाँ पे फील हो रहा है? बहुत ही मस्त जगह है गाइस। सब ठंड पूरी पूरी तरह पता लग रही है, गर्मी तो लग ही नहीं रहा कि है। सही है गाइस, नदी भी देख कर आए हम इधर। सतलुज नदी लगती है पास में, सही था, व्यू अच्छा था। मेरे पीछे पूरा गेहूँ का खेत है। अब देखो कहाँ जाते हैं। अब सोच रहे हैं कहीं घूमने जाते हैं, उसके बाद फिर जलंधर जाते हैं अपने। फिर मेरे को आज दो दिन बाद गुजरात भी जाना है। दतून करते हुए यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं गांव में नहीं आया हूँ। देखो मेरे पीछे, देखो पूरा लगता है गांव में ही आ गया हूँ। मेरे पीछे, मेरे आगे, मेरे दाएं बाएं सब और खेती है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे दतून करना पड़ा है। चलते हैं अपने जलंधर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। हैं पी के चलेंगे ना, कोल्ड ड्रिंक पी के चलेंगे ना। ये लो पी लो, फिर डिनर करवाना। मजा है इसको पी के। सुना अब यहाँ से निकल रहे हैं, बज गया है 11:30। देखो जलंधर पहुँचने में कितना टाइम लगता है, अंधेरा भी है, गड्डी यहाँ पे खड़ी है। चलो चलते हैं। अपने लुधियाना से जलंधर जा रहे थे। यहाँ पे शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, आप सबको चलो दर्शन करवाता हूँ आगे। चलो इतना बड़ा मंदिर है, अगले बगल में गौशाला भी है, गाय
गौ माता भी है पास में। कितना गाय, बहुत ज़्यादा गाँव है यहाँ पे। देखिए चलो चलते हैं ऊपर। एक दो तीन लोग मंदिर पे आए थे, प्रीतम गाड़ी में बैठा ही हुआ है, तो बोला मैं नहीं जाऊँगा, चलते हैं मंदिर के पास। यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। जय भोले शंकर जी का बहुत बड़ा मूर्ति है। शंकर जी का इतना बड़ा पांव देखो। यहाँ से यहाँ पे गुफा भी बना हुआ है, चलते हैं गुफा अपने। लुधियाना का सबसे बड़ा मंदिर शंकर जी का है भाई लोग, देखो अब वो गुफा चलते हैं ना, इधर से इधर से इधर से बंद है। चलो गुफा है इसमें एंट्री, देखिए चलते हैं बाहर। हेलो दोस्तों, मैं निकल आता हूँ यहाँ से। मैं अब मेरे को शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर दिखा, मैं बोला आपको दर्शन करवा देता हूँ मंदिर का। यहाँ पे आया था लुधियाना से थोड़ा दूर आके, 10-12 किलोमीटर आके शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। आप सबको मैं दिखाने के हिसाब से यहाँ पे रुक गया था, अभी यहाँ पे जलंधर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा मंदिर है शंकर जी का। यहाँ पे पीछे इसके गौ माता है, आप यहाँ पे आके जाने गौ माता कुछ खिला भी सकते हो। हेलो दोस्तों, रोड से इतना बड़ा मंदिर दिख रहा है, तब इसको आगे चल के बहुत बड़ा मंदिर दिखता है शंकर जी का, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ से मैं रोड से दिखा रहा हूँ आपको इसको मंदिर को। दोस्तों मैं रोड से दिखा रहा हूँ मंदिर, मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो समझ सकते हो कितने बड़ा मंदिर यहाँ पे हो सकता है शंकर जी का, रोड से इतना बड़ा दिख रहा है। तो चलो चलते हैं अब घर, थोड़ा घर सोचने का थोड़ा टाइम हो गया, लेट भी हो गए हैं, थोड़ा लेट होकर निकले थे वहाँ से। चलते हैं शंकर जी का मंदिर मिल गया था, बोला दर्शन करके निकलते हैं अपने। चलो स्टार्ट।
लुधियाना से जलंधर आ गए हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, बस अब जा रहे हैं घर पे। आज का रूटीन बस यहीं तक था। चलो हाँ, कुछ होगा रूटीन तो आप सबको वीडियो में दिख जाएगा। नहीं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ बस यहीं ख़त्म। ओके बाय बाय।